ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के 23/7/69 के चले हुए महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। मुरली का हेडलाइन है, सफलता का आधार परखने की शक्ति। बाप दादा बोले, बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? बाप दादा हरेक में चार बातें देख रहे हैं, वो कौन सी चार बातें हैं? तो बाबा कह रहे हैं, एक तो ताज देख रहे थे, दूसरा तख्त, तीसरा तदबीर और चौथा तकदीर। यही चार चीजें हर एक में देख रहे हैं। संगम का ताज कौन सा होता है मालूम है? तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताज धारी वत्सों की सभा में आए हैं। ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है, लेकिन हरेक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति ही है। तो यह तो देख रहे थे कि इस संगम में कौन कौन ताज तख्तधारी बन बैठे हैं, किस किस ने कितना बड़ा ताज धारण किया है व छोटा धारण किया है। ताज को सदा ही सिर पर रख कर चलते हैं व कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। तो ये बाप दादा देख रहे हैं। इसमें बाप दादा ने हर एक की चार चीजों को चेक किया, चार बातों को। एक तो ताज और एक तख्त, और जो दूसरी दो बातें हैं तदबीर और तकदीर। तो ये चारों ही वस्तुएं वास्तव में संगम युग के पुरुषार्थ की सिंबल्स हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हैं तो सारे ही जो इनवाइटेड हैं, जिनको बाबा देख रहे हैं, जिनकी सभा में बाबा आए हैं, हैं तो सारे ही ताजधारी। बिना ताजधारी के तो इसमें इनवाइटेड ही नहीं है, और तख्तधारी भी हैं, लेकिन उसमें छोटा ताज है, बड़ा ताज है। और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि अपने ताज को फुल टाइम धारण करके रखते हैं या बीच बीच में थोड़ा साइड में भी कर देते हैं। और इसके साथ कनेक्टेड है कि छोटा क्यों बड़ा क्यों, और फुल टाइम रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो उसको कहा जाता है तदबीर। तदबीर मैंने होता है पुरुषार्थ, कोई तरीका करना प्राप्ति का। और जितना जितना पुरुषार्थ किया है हर एक का सिंबल का अर्थ बाबा ने आगे बताया, उतनी उतनी ही उनकी तकदीर जो है अपनी भविष्य की जमा हुई है। बाबा आगे कहते हैं, आप सभी भी अपने आप को जानते हो ना, क्योंकि सभी चुने हुए रतन हैं, तो इतनी पहचान तो जरूर होगी ही। अपनी तदबीर और तकदीर की परख है। आप अपने को पूरा परख सकते हो। समझो, मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो, तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी उनको समझते हो? यानी बाबा ने बताया है ना, परख शक्ति जो है वो हमें आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन है, हमारे विघ्नों को हटाने का बहुत बड़ा साधन है, लेकिन हर वक्त परख शक्ति को यूज़ करें। तो इसलिए बाबा ने कहा है, पहले तो खुद बताया है कि मैं बच्चों को ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, फिर बाबा ने कहा हर बच्चा भी तो अपने आप को इतना तो ही जानता ही है कि मैं क्या हूँ, मेरी तदबीर कितनी है, तकदीर कितनी है। तो बाबा ने कहा जैसे अभी आप शरीर छोड़ दो, उसकी बजाय बाबा ने कहा आप एडवांस पार्टी में अभी जाओ,
तो आप सोच सकते हो अगर मुझे इसी समय एडवांस पार्टी में जाना हो तो मैंने अपनी कितनी तकदीर और तदबीर की है। अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो। जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरों को परख सकोगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं अगर अपने आप को ही नहीं परख सकेंगे कि इस समय मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरा पुरुषार्थ के अनुसार मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है, यह जानने की जरूरत भी है। बाबा ने कहा ना इससे पहली मुरली में कि जब तुम्हारी परख शक्ति बढ़ जाएगी तो तुम बिना बोले दूसरे को इंस्टेंटली परख लोगे कि इसका आदि मध्य अंत क्या है, ये आत्मा का क्या भाव अर्थ है, उसका आपको टोटल सामने आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं उससे पहले अपने आप की परख शक्ति भी तो धारण करो। जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरों को परख सकोगे, ये जानने की जरूरत भी है, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता है। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यह है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, तीव्र, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। कि सारा आधार परखने की शक्ति पर है, क्योंकि वो हमारे विघ्नों को दूर करेगी, हमारी सफलता को लाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा है सफलता का मुख्य आधार है परखने की शक्ति, अपनी सफलता भी, अपनी प्रोग्रेस भी और सेवा की सफलता भी। परख पूरी न होने कारण जो उनको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता है। अब बाबा ने बताया कि सेवा के अंदर भी पूरी सफलता क्यों नहीं मिलती। सब कहते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती, वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो बाबा ने ये कहा है परख शक्ति ये कहती है किसको क्या चाहिए, अगर वो उसको देंगे तभी तो संतुष्ट होगा ना। कई बारी बाबा ने मुरलियों में कहा है कि किसी को केवल प्यास लगी है उसको पानी का गिलास चाहिए, और आप उसको हीरे की माला दे रहे हो उसके किस काम की। तो इसी प्रकार से आगे भी बाबा ने इसको बहुत क्लियर डॉक्टर के डायग्नोसिस से एक्सप्लेन किया है। इसको आप पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा हमारी परख शक्ति तेज़ होने से कितना दूरदेशी लाभ है और कम होने से हम कितना स्लो स्पीड पर चल रहे हैं और उलझ रहे हैं। वो रूप उनको नहीं मिलता है, इसलिए ही सर्विस की सफलता कम मिलती है। कम सर्विस की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, वारिस बहुत कम। वारिस कम निकलने का मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना, फिर रोग भी खत्म हो जाता है। खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे, और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। ये बाबा ने हमें सारा फ्यूचर प्लान बता दिया है, खास तौर के पांडवों को कहा है कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि परखने की शक्ति होगी तो परखने की शक्ति से दूसरे को संतुष्ट कर सकेंगे, वरना मेहनत बहुत करेंगे प्रजा बनेगी, वारिस नहीं बनेंगे, यानी पूरे कायल और घायल नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा इसका कारण क्या है, यानी पूरे वो झटकू नहीं बनेंगे, एकदम बाबा पर फिदा नहीं होंगे, कि
क्योंकि उनको पूरी तरह से हैंडल नहीं किया गया और उसका कारण यही है कि डायग्नोसिस ठीक नहीं है। तब बाबा कहते हैं जब परखोगे तभी तो उनका निवारण करोगे, पहले तो डायग्नोसिस ठीक हो फिर दवाई दी जाती है फिर डिजीज़ पूरी होती है। तो बाबा ने कहा आने वाली समय में इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं आपको बाबा ने किस लिए बुलाया? हिसाब किया जाता है ना, सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने लिए बुलाया। ये बहुत ही इतनी दिल खुश करने वाली और दिल को लगने वाली पॉइंट है जो हम आप पढ़िएगा कि बाबा कहते हैं कि सीढ़ी चढ़ने वालों को भी सीढ़ी उतरने का भी ज्ञान होना चाहिए। तो बाबा कह रहे सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने लिए बुलाया है। अब किस बात में उतरना है और किस बात में चढ़ना है? तो बाबा कहते हैं बड़कपन तो पकड़ लिया है, मगर बड़कपन होते हुए भी जहां पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है वहां फिर फट उतर नहीं सकते हो। क्योंकि बड़ापन तो आ गया, अब बड़ेपन की सीढ़ी चढ़ने का तो पता लग गया, लेकिन कहाँ कहाँ बड़प्पन होते हुए भी कभी सीढ़ी उतरनी पड़ती है, छोटेपन की उतरनी पड़ती है, वो नहीं उतर पाते। एक सेकंड में मालिक और एक सेकंड में बालक पने की आवश्यकता है। क्योंकि वो समझने ये लग जाते हैं बड़प्पन वाले कि हम तो मालिक हो गए, बाकियों को मालिक और बालक बनना है, हमें तो बालक बनना ही नहीं है। उस बात की जो बुद्धि की त्रुटि है उसको बाबा ने इस मुरली में बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया। जहां पर बालक बनना चाहिए वहां फिर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। जैसा समय वैसा ही स्वरूप कैसे बनाना चाहिए वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी हो, कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो, संगठन में कोई भी बात होती है तो उसमें विचार देने के समय मालिक बनकर विचार देना तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जहां पर संगठन का सवाल आता है वहां पर निमित्त बने हुए भाई बहने जो फाइनल करते हैं उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। बालकपन की क्वालिफिकेशन क्या होती है? वहीं पर फोर्स में बोलेंगे फिर वहीं पर ही बिल्कुल निरसंकल्प बन जाएंगे। हाँ, बाबा कहता है कि ये जो बात आज बाबा हमको समझा रहे हैं कि मालिक बनना तो आसान लगता है, बाबा कहते हैं लेकिन मालिक के बाद जो बालक बनना है उसमें डिफ़िकल्टी फील करते हैं। बालक बनते हैं लेकिन उसमें मालिकपन झलकता है। तो बाबा कहते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऊंची सीढ़ी चढ़ना तो ठीक है लेकिन जब उतरना पड़े तो उतनी आसानी से उतर भी सको। तो बाबा कहते हैं तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिकपने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालकपने की बुद्धि बना लेनी है। ये मोल्डिंग पावर है। बाबा कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि एकदम अपना पूरी मालिकपन से अपनी राय दो, लेकिन हर संगठन में कुछ निमित्त बनाए जाते हैं तो सबकी राय सुनने के बाद जो निमित्त फाइनल करें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और उस समय मेरी राय का क्या हुआ, मेरी राय क्यों नहीं मानी गई, मेरी राय तो बहुत अच्छी थी, वो मालिकपन में नहीं आना तुरंत। बिल्कुल जैसे कि हम जितनी पावर से हम बोले थे उसी तरह से बिल्कुल निरसंकल्प हो जाओ।
तो बाबा कहते हैं इसी में ही फायदा भी है, लेकिन जहां भी मालिकपन होता है उसकी रिजल्ट क्या होती है? एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट जाती है, और जो एक दो में स्नेह बढ़ना चाहिए वह कम होना संभव हो जाता है। बाबा ने तीन बातें बताई हैं कि कोई भी आत्मा अगर जहाँ मालिक बनना है और जहाँ बालक बनना है दोनों को बनना नहीं आता, तो फिर बाबा ने क्या कुछ बताया है कि देखो समय खराब होता है और वो जो आपसी स्नेह है उसमें घटने की जो बढ़ना चाहिए संगठन प्रोग्राम हम सब इसीलिए करते हैं कि हमारा स्नेह बढ़े एकता बढ़े, तो उसमें भी कम होने की संभावना हो जाती है और शक्ति वेस्ट होती है। आप देखिए कि कई जो हैं वो फिर एक बार ही उनकी बात किसी संगठन में ना मानी जाए वो राय देना ही बंद कर देते हैं, मालिकपना ही छोड़ देते हैं कि मेरी किसने माननी है, पहले मैंने कहा था तो क्या फ़ायदा, बोलना ही नहीं है। बाबा कहते ये भी रॉन्ग है, और बोलने के बाद एकदम निर्माण हो जाना हो वो नहीं होता तो भी ये तीन प्रॉब्लम आती हैं, आपकी एनर्जी जाएगी आपका समय जाएगा, और साथ साथ जिस स्नेह के लिए हम लोग ये सब कार्यक्रम करते हैं संकल्पों की मिलान के लिए वो नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए आप लोग जैसे जिम्मेवारियां लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी। तो इन एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता के लिए यह शिक्षा दे रहे हैं। हाँ बाबा कह ले पहले से हम शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों ऐसा होगा और उसके अंदर आपको कैसे चलना है वो बाबा बता रहे हैं, क्योंकि अब बाबा अव्यक्त हो गए हैं, पहले तो जब बाबा साकार में थे तो हर चीज़ को बाबा के आगे फाइनल रख देते थे, तो ये प्रश्न नहीं उठते थे मेरी राय मेरा ये, तो बाबा कहते हैं राय बाबा सबसे लेते थे उस समय भी और सबकी राय को रिगार्ड भी देते थे, लेकिन बाबा का शब्द फाइनल था, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करता था। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे आपस में हैं, उसमें बाबा ने निमित्त बनाए हैं बच्चे हर कार्य के लिए, उसके अंदर जूं जूं आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी और बातें ऐड होंगी, सेवा बढ़ेगी, हर चीज़ का क्षेत्र बढ़ेगा, आपका संगठन भी बढ़ेगा, उसमें अलग अलग प्रकार की आत्माएँ आके ज्वाइन करेंगी, उसमें ये आएगा, इसलिए आपको इन एडवांस बाबा ने हमको आगे का सीन दिखा दिया है, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है उसका अभ्यास करो। तो बाबा कह रहे हैं आप सब अनुभवी भी हैं, समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और स्वमान को रखने की कोशिश करता है, आगे चलकर ये समस्या कुछ ज्यादा सामने आने वाली है। जो छोटा भी होता है बाबा कहता है अपने आप को कम नहीं समझता ना, तो वो भी अपने पहले तो अपनी शक्ति को कायम रखने, फिर उसकी बात मानी जाए ना मानी जाए तो समझता है मेरा अपमान हो गया, तो बाबा कहता है उसको कायम करने भी कोशिश करता है, तो अपना अपना कर्तव्य तो दिखाएगा ना, तो बाबा कहते हैं इसलिए पहले से बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ही जो निमित बने हुए हैं उनको बहुत निर्माणचित बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग, त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है। इसमें बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि निमित बनने की कोई अथॉरिटी होती है और उस अथॉरिटी में जो निमित बनता है कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है उसको अपनी अथॉरिटी से भी हट करके नम्रता निर्माणता दिखानी पड़ती है, तो बाबा कहते हैं तो इसका भी त्याग कि मैं किस पोजीशन पर हूँ ये कौन है मुझे क्या राय दे रहा है, बाबा कहते हैं उससे भी उसका भी त्याग करेंगे तो तब तुम्हारा भाग्य भी और बनेगा और समय वेस्ट नहीं होगा आगे बढ़ते जाएंगे।
तो बाबा कह रहे हैं हाँ कि त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है, हाँ जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको स्वमान मिलेगा। हाँ, बाबा कहते हैं जिस सम्मान को हम त्याग करते हैं, बाबा कहते हैं प्रैक्टिकली आप देखेंगे वो त्याग आपको उससे भी ज़्यादा सम्मान लाएगा। तो दुनिया के अंदर इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपने सम्मान को हर्ट होना फील करके फिर वो सारा ही सिस्टम बदल जाता है। आज की दुनिया में जब भी लोगों की मीटिंग होती है तो फिर वो आप जानते हैं क्या क्या भाषा प्रयोग करते हैं, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले हैं, तुम तुम्हारी वक्त ही क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी को हर्ट फील करते हैं। अगर बाबा कहते हैं थोड़ा आप निर्माण हो जाएं तो आपको स्वयं ही सम्मान मिलेगा। सम्मान के पीछे भागने से कभी सम्मान नहीं मिलता, सम्मान की तरफ पीठ कर लो तो सम्मान आपके पीछे पीछे आएगा। तो बाबा कहते हैं जितना अपना स्वमान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही स्वमान गवाने का कारण बन जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एक को अपनी धारणा में लाना चाहिए। इसलिए बालक और मालिक पने की सीढ़ी की को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। इसलिए बालक और मालिक पने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो, इस अभ्यास को बढ़ाना है। जल्दी जल्दी का अर्थ क्या है इसमें? बाबा कहते हैं कि तुरंत एक घड़ी में आप मालिक हैं, दूसरी घड़ी आवश्यकता के अनुसार आप बालक बन जाओ। अगर मालिक से बालक बनने की सीढ़ी धीरे धीरे उतरे तो उसमें आपका मालिकपना तो झलकेगा ना, नीचे आके आप बालक बनेंगे, उसमें भी बाबा ने कहा वो सारी परिस्थितियाँ आ जाएंगी। इसलिए बालक बनना और मालिक बनना तुरंत होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार तुरंत हो जाए। तो बाबा कहते हैं इस अभ्यास को बढ़ाना है, इसलिए ही आपको बुलाया है। अब देखिए दुनिया के अंदर किसी को क्रोध आ जाता है, अब वो क्रोध से कुछ बोल देता है, अब उसको अगला कदम क्या करना है कि बिल्कुल शीतल होना है, तो नहीं हो पाता है, उसका क्रोध धीरे 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 ठंडा होता है। तो बाबा कहते हैं तब तक तो बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ, दुनिया में हमने बहुत ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इमीडिएटली सच्चे दिल से सॉरी कह देता है, क्षमा मांग लेता है, तो दूसरा व्यक्ति एकदम उस गलती को छोड़ माफ़ कर देता है। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास हमको इस अपने ज्ञान के अंदर बालक और मालिक बनने का ऐसा करना है कि हम मालिक बन के नशे में आए ही नहीं, निमित्त बन के मालिक बने, और इसलिए बालक बनना बनना हमको मुश्किल ना हो। तो बाबा कहते हैं अब इसमें सफलता तो तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। हाँ, कि अब ये भी बात है कि हम तैयार हैं बालक और मालिक बनने में, पर कहाँ हमको बालक बनना है, कहाँ हमको मालिक बनना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम समझे कि यहाँ हमको मालिक बनना है, वहाँ हम बालक बन जाए, इसलिए परख शक्ति को बाबा ने मुख्य रखा है। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है। हाँ। परखते नहीं है तो परिणाम उल्टा हो जाता है। अब जैसे कई बार होता है किसी जगह पर कोई रिसेप्शन हो रहा है, प्रवेश द्वार पर दो व्यक्ति खड़े हैं। अच्छा, अब वो जो मेन व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति है, वो अंदर आना चाहता है, उसी को रोक देते हैं कि आप कौन हैं, आप क्यों अंदर जा रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए परखने की शक्ति आवश्यक है। तो बाबा कह रहे हैं परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? हाँ, अब ये बाबा बता रहे हैं। दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। अब देखिए बाबा ने कितना
क्लियर करके एनालाइज करके कहा है कि दिल की सफाई, हम सच्चे दिल से बिल्कुल तैयार हैं बालक और मालक बनने को, ठीक है। अब बाबा कहता है ये भी काम नहीं करेगा कि मैं सचमुच बालक और मालक बनना चाहता था और गलती हो गई, तो बाबा कहते हैं इसलिए बुद्धि की सफाई, क्योंकि परख शक्ति बुद्धि का काम है, दिल का काम नहीं है। तो बाबा ने हमें एनालाइज करके बताया है कि बुद्धि की सफाई, और फिर बुद्धि की सफाई क्या है वो बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो, मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी हो, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। हाँ, जैसे आप कार ड्राइव करते हैं तो बाबा कहते हैं एकदम, यानी आप बालक हैं समझिए, यानी आप मालिक हैं, आप मालिक पने की सीट पर फुल सेट होकर तेज स्पीड से जा रहे हैं, अचानक आपको बालक बनना पड़ता है। तो इसलिए आपकी अगर इतनी पावरफुल ब्रेक हो संकल्प की, क्योंकि संकल्प ही आपको अथॉरिटी पे रखे हुए मैं मालिक हूँ, अब इतनी पावरफुल ब्रेक हो कि तुरंत आप ब्रेक लगाकर बालक बन जाए, पहले तो ब्रेक स्ट्रॉन्ग, वो ब्रेक किस में आनी है, संकल्प में, और वो इतना पावरफुल हो एकदम इस प्रकार के संकल्प से उस प्रकार के मालिकपना कहाँ और बालकपना कहाँ। फिर बाबा कहते हैं उसमें मोड़ने की भी शक्ति चाहिए, कि संकल्प को मोड़ा भी तो जाता है ना, अगर ब्रेक लगाई और टर्न नहीं किया, मोल्ड नहीं कर पाए, तो भी उछल जाएगा व्हीकल, आपके मन के अंदर संकल्पों का तूफान उछल जाएगा। तो बाबा समझा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है, इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे, एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी, जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। अगर इन्हीं चीज़ों में एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे तो वो शक्ति जमा नहीं होगी ना, तो जमा होती है तो उसके आधार पर ऑटोमेटिकली काम चलता है। फिर बाबा आगे कहते हैं ये भी अभ्यास भट्टी में करना चाहिए, तो अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना है। अब आप देखिए कि चलते फिरते ब्राह्मण परिवार में कोई घटना हो जाती है, ये टेस्ट है, हर एक का टेस्ट है, उस घटना की मुझे फीलिंग आ जाए, यानी घटना तो हो गई, वो मेरी एक परीक्षा है, किसी भी रूप से आ जाए, राइट तरीके से हो जाए या गलत तरीके से हो जाए, तो अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम इसमें पड़ जाएंगे इसने गलत तरीके से ये किया और देखो मेरे का निरादर हो गया, तो फीलिंग आ गई। तो फीलिंग का मतलब क्या है कि बुद्धि को तुरंत ब्रेक लगाने और मोड़ने की शक्ति नहीं है, इसलिए बाबा कहता है चेक करना है कि मैं किसी भी परिस्थिति से प्रभावित तो नहीं होता और कितना समय उसका प्रभाव मेरे पर चलता है। तो बाबा कह रहे हैं कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण होते हैं, खास पांडवों प्रति बाप दादा का यही विशेष इशारा है। अच्छा,
चलते चलते जो कहते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया, इसकी देखो अवस्था बिगड़ गई, इसकी ये हो गया, इसका मूड खराब हो गया, ये सारे जीवन यात्रा के लिए बाबा कहते हैं बनना देवता है। और वहाँ तो खुशियाँ ही खुशी हैं, उसका अभ्यास यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर कभी पाँव मुड़ गया, कभी टांग टूट गई, अपना सारा चेहरा ही बदल गया, बाबा ने कहा है ना एक मुरली में कि ऐसे निधन के बन जाते हैं, जैसे कि बिल्कुल ही समस्या स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके कारण संकटमय रूप आपका दिखता है, संकट मोचन खुद संकट में आ जाता है, इसलिए बाबा ने बताया खास पांडवों को इस बात का ध्यान रखना है। फिर बाबा के अगला पॉइंट चल रहा है, ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें, यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जावेंगे। इसमें बाबा ने एक गलती हमारी पॉइंट आउट की है कि पुरुषार्थ जो करते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं कर्म में विचरता हुआ, वाणी में रहता हुआ बिंदु बनने का अभ्यास करूं। बाबा कहते हैं अगर इसको उल्टा कर दें कि आप जो पहला पाठ यही है कि अपने को आत्मा समझो, फिर कर्म इंद्रियों को काम में लाओ। अगर हम हर काम करने से पहले खास तौर पे सुबह ही ये सोचे कि मैं बिंदु आत्मा हूँ, मैं इस शरीर के द्वारा अब दुनिया के कार्य क्षेत्र में काम करने जा रहा हूँ, तो बिंदु खिसकेगा नहीं, बिंदु काम करवा रहा है। और यहाँ क्या करते हैं, पहले आपने आपको बॉडीली स्थिति में ला करके फिर बिंदु बनने का अभ्यास करते हैं। उल्टा हो गया कि नहीं? यानी वृक्ष से बीज की ओर जाते हैं, फैले हुए वृक्ष से, उसमें टाइम भी लगता है तो वृक्ष का ध्यान ज़्यादा रहता है। अगर बिंदु बन के करें तो बाबा कहता है पहला पाठ यही पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा रूप से इस कर्म क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं परंतु ये अटेंशन कम रहता है, आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है तो। जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना, यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें ये विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है इसलिए सोचते सोचते ही समय हाथों से चला जा रहा है। ये बाबा ने सावधानी दी है कि इस अभ्यास जो पहला अभ्यास है उसके लिए कहें हमारे पास समय नहीं है, तो बाबा कहता है फिर कब होगा? खास अटेंशन देंगे कि यही मेरा मेन काम है कि मुझे आत्मा समझ करके चलाना है, फिर टाइम निकल आएगा। कई मुरलियों में बाबा दवाई खाने का भी एग्जांपल देते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई डॉक्टर कह दे ये दवाई तुमने चार चार घंटे बाद खानी है, अब वो ऑफिस में बैठा है काम कर रहा है, उस वक़्त भी वो समय निकाल के दवाई तो खा लेता है। इसलिए जिस चीज़ का विशेष ध्यान होता है उसके लिए तो समय निकल आता है, और थोड़े से संगम के बचे हुए समय में हम कहें हम बिजी हैं, किस बात में बिजी हैं, उसमें बीच बीच में इस अभ्यास को अटेंशन देकर करना है, नहीं तो ये समय भी हाथ से चला जाएगा। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं।
फिर बाबा आगे कहते हैं, वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब भी चाहो तभी अव्यक्ति स्थिति में ठहर जाओ। एक सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो अनुभव करेंगे, और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा है, ब्रह्मा बाबा टोली बांटने लगते थे तो उनके चित्र भी हैं इस प्रकार के कि टोली को देते समय भी ऐसे लगता था कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर काम कर रहे हैं, तो अटेंशन देते थे, हर काम को करते थे, लेकिन उनका जो अटेंशन था वो हमेशा अव्यक्त स्थिति पर था। मतेश्वरी जी को अगर आप देखेंगे, उनकी जो चित्र हैं उनमें उनकी आँखों को देखेंगे तो उनकी आँखों से आपको पता लगेगा कि उनका ध्यान ऊपर की तरफ है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अगर हम अटेंशन रखेंगे तो हर काम को निराकारी और व्यक्त रूप में कर सकते हैं, और आपको वो जो अनुभव होगा इतना शक्तिशाली होगा क्योंकि आप दे से न्यारा, बंधनों से न्यारा फील करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है, संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्वस्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वह तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण न चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो न चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। ये भी ऐसा ही है, आत्मअभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे ये तो हो नहीं सकता है। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं हैं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है। बाबा ने कहा आत्म स्थिति में परमात्मा की याद नेचुरल है, जैसे शरीर की स्थिति में सब शरीरी चीज़ों की याद नेचुरल होती है। बाबा ने कहा जहाँ आप जाते हैं उसका जो कुछ भी होता है गुण वो नेचुरल आता है, ठंडी जगह जाएंगे ठंडा महसूस होगा। इसी प्रकार से आत्म स्थिति में बाप की याद समाई हुई है। बाबा कहते हैं क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सबको कहें कि यह ड्रिल करो तो कर सकते हो? बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारापन का अनुभव होगा, और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो, आगे चल कर के तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा।
ये दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। स्पीड बढ़ती जाती है ना दुनिया के अंदर भी, आप देखेंगे आगे एक दिन का कितना महत्व था, अब आप देखेंगे दिन ऐसे जल्दी जल्दी पास ऑन होते जा रहे हैं, तो समय की स्पीड बढ़ती जाती है और कार्य कुशलता लोगों की घटती जाती है। तो बाबा कहते हैं आपको तो अपनी कार्य कुशलता इतनी बढ़ानी है कि थोड़े समय में अधिक से अधिक काम कर सको। बाबा कहते हैं अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी, जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भगत प्रख्यात होंगे भविष्य पद के पहले। संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अपनी कमाई का समय खत्म हो जाएगा, दूसरों को कमाई कराने के लिए समय रहेगा। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है उसको पूरा पूरा, उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। इसलिए जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। ये नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगे, ये तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगी। परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। यानी बाबा ने हमें क्लियर नक्शा बता दिया है कि जैसे पहले अपने लिए व्यक्ति क्वालिफाई करता है शख्स, फिर अपने परिवार के लिए करता है, अब अपने लिए का समय बहुत थोड़ा रह गया है, फिर जिनकी आप सेवा करोगे उनकी ठीक तरह से पालना करना, वही तुम्हारा कमाई का रूप हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं समझो कि परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, और विकराल आएंगी, तो अपनी स्थिति को पहले से पक्का करना। तो बाबा ने हमें अपने मधुर महावाक्यों में आने वाले समय की भी जैसे वार्निंग दी, और वर्तमान समय हमें क्या पुरुषार्थ करना है, किन शक्तियों और गुणों को धारण करना है, इस पर भी बताया। समय को सफल करना है, समय को सफल करना है। ओम शांति। ओम शांति।